सीतापुर में पुलिस अधीक्षक सुशील चंद्रभान द्वारा जनपद में अपराधियों के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही तथा सघन चेकिंग अभियान चलाए जाने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त दिए गए निर्देश के अनुपालन के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी एनपी सिंह के निकट पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी नगर सुशील कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा कोतवाली थाना सीतापुर को श्यामनाथ रेलवे क्रॉसिंग शिव मंदिर के पास से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। अभियुक्तगण उपरोक्त के पास से दिनांक 5/3/2023 को मोहल्ला गोड़ियाना में कंपोजिट उच्च प्राथमिक विद्यालय के पास से हुई चोरी के संबंध में थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत मुकदमा 127/23 उपरोक्त से संबंधी चोरी किए गए माल में पीली धातु के एवं एक जोड़ा झाला पीली धातु व एक जोड़ा झुमका पीली धातु व एक अदद पानदान बर्तन पीली धातु व 5 अदद कटोरी सफेद धातु व एक अदद कटोरा तांबा रंग का बरामद हुआ है। इसके अतिरिक्त अभियुक्त शादाब व शुभम उपरोक्त से एक एक अवैध तमंचा व एक एक अदद जिंदा कारतूस 12 व 315 बोर तथा अभियुक्त राहुल उपरोक्त से चाकू भी बरामद किया गया है। आज थाना कोतवाली नगर सीतापुर में एक बहुत अच्छा गुटबंद हुआ है, जिनमें दो अंतर जनपदीय नकबजन आवलिक चोर पकड़े गए हैं। इनका नाम दरअसल सादाब और शुभम प्रजापति है। ये दोनों पहले से भी जेल जा चुके थे, इसलिए इनमें कार्रवाई की गई थी। और इस गैंग की सबसे अच्छी खासियत है कि इसमें जो सुनार है राहुल पाल, वो भी गिरफ्तार हुए हैं, और एक सोनू कश्यप है जो मीडिएशन करते हैं इनके सामान को बिकवाने में। इन चारों लोगों से लगभग 3 लाख रुपए कीमत की सोने के कंगन बरामद हुए हैं। इनसे दो इलीगल तमंचे बरामद हुए, जो एक 315 बोर का है और एक 12 बोर का है। उनके इलीगल कारतूस भी हैं, और ये चारों आज गिरफ्तार हुए हैं। ये बहुत ही सातिर गैंग है जो पूर्व से चोरी करता रहा है, और आसपास के जनपद में भी इनका इतिहास लोग खंगाल रहे हैं। अभी तक समोटा बगल के जनपद में इनकी चोरी घटना प्रकाश में आई है। ये सबसे अच्छी बात यह है कि चूंकि ये शहर कोतवाली में सक्रिय फैक्ट्री थे, कई चोरियां यहाँ पे हो गई थी। इनकी गिरफ्तारी के बाद से नगर कोतवाली क्षेत्र में चोरी की घटना के प्रभारी हम लोग अंकुश लगाने में सफल होंगे। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।